हमारे साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हैं, योगी मंत्रिमंडल में इनको फिर से जगह दी गई है, रिपीट किया गया है। 22 मंत्री जबकि ड्रॉप हुए हैं, चौधरी साहब आपको रिपीट किया गया, 22 मंत्री ड्रॉप हुए हैं, क्या वजह रही कि आपको रिपीट किया गया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र में हमने 2017 में विषय रखे थे, हम सब ने मिलकर उसे पूरा किया है। राजनीतिक परिस्थिति है, नेतृत्व इस विषय को ठीक से समझ के उन्होंने निर्णय लिया होगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी माननीय मंत्री सब योग्य हैं और उन्होंने अच्छे से काम किया है। सार्वजनिक जीवन में कभी अवसर मिलता है कभी नहीं मिलता, तो हम लोग सब मिलकर और जो लोग वंचित रहे हैं उन्हें संगठन में उपयोग करके, या पार्टी का बहुत बड़ा सिस्टम है उसमें हम सब लोग मिलकर उनके सहयोग से इस प्रदेश की बेहतरी के लिए सब काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करेंगे। आपको लगता है कि जाटों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहिए था मंत्रिमंडल में? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उस भारतीय जनता पार्टी में हमारे से ज़्यादा प्रतिनिधित्व किसी ग्रुप ने, किसी दल ने कभी नहीं दिया। इस बार भी 10 MLA हैं, हम 4 मंत्री हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, गन्ना समितियों के चेयरमैन हैं, नगर पालिकाओं के। क्यों कहा जाता है बार बार जाट नाराज हो जाता है बीजेपी से? अब ये हमारा स्वभाव है ऐसा, और हम नाराज रहने, बिल्कुल हंगामा करना, शोर शराबा करना, दमदारी से अपनी बात कहना, ये हमारे स्वभाव में है। लेकिन हम भाजपा को बहुत लाड़ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी भूपेंद्र सिंह, जिनको फिर से मंत्री बनाया गया है, और उनका कहना है कि जो कामकाज किया है उसके दम पर उनकी दोबारा वापसी हुई है। विकास भदौरिया, ABP News, लखनऊ।